हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीजे स्टडी पे। आपका फर्स्ट चैप्टर चला था लाइफ प्रोसेस और आज इसका आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ फिफ्थ लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीट सिस्टम को। एक्सक्रीट सिस्टम के हमने बारे में बात की थी कि जो एक्सक्रीट सिस्टम है क्या क्या होता है इस एक्सक्रीट सिस्टम में ह्यूमन में, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी हमने। जल एंड फ्लो एक्सक्रीट सिस्टम हमारा किडनी, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सारा डिस्कस हो गया था। एक्सक्रीटी मटेरियल जो एक्सक्रीट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सॉलिड भी होते हैं कुछ, गैस भी होते हैं कुछ, सॉल्ट होते हैं उसमें, वो यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी मैंने बता दिया था। यूरिया उस वो वाले एनिमल्स सीक्रेट करते हैं जो जो जिनके लिए जो पानी के अंदर रहते हैं। यूरिक एसिड मॉडरेट एनिमल्स करते हैं और यूरिया यूरिक एसिड सॉरी यूरिया मॉडरेट वाले करते हैं, यूरिक एसिड एरिड एरिया वाले करते हैं और अमोनिया कौन करते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। स्वेट के रूप में, यूरिन के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, हमारे अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है एक बार वो देखते हैं। सो ईच किडनी कंटेन द मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी का जो यूनिट होता है उस किडनी के यूनिट को हम बोलते हैं क्या, किडनी का यूनिट होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारा उसमें से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है उसे निकाल लिया जाता है। नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी, एक सेकेंड ओके कैपिलरी का जाल बिछा रहता है उसके अंदर एंड ग्लोमेरुलस विच इज द एसोसिएट विद द कप लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, हमारा ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये पीसीटी आता है, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, इस तरह से मिल जाता है। तो जो नेफ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बोमन कैप्सूल बोलते हैं एंड दे आर लॉन्ग ट्यूब टर्मिनल थ्रू द कैप्सूल, वहाँ से एक ट्यूब्स निकलती, मैंने दिखाया था अभी। द रीनल आर्टी ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रीनल आर्टी होती है, आर्टी को पता ही आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है एंड किडनी आर्टी ब्लड टू द किडनी एंड अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंस। और इसमें क्या होता है, हमारा यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ये सारे कहाँ लेके आते हैं, किडनी की तरफ लेके आते हैं। कौन लेके आता है, रीनल आर्टी, रीनल आर्टी किडनी की तरफ उसको लेके आएगी जिसके अंदर कुछ एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स भी होंगे। द ब्लड गेट द फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड फिल्टर एंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द, अब ग्लोमेरुलस में क्या ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होने के बाद वो ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। द ब्लड गेट द फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड द फिल्टर एंटर टू द ट्यूबलेस पार्ट, जो भी फिल्टर निकलता है उसमें से जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट निकलता है उस फिल्टर्स को कहाँ भेज दिया जाता है, नीचे ट्यूब में। ट्यूब कौन कौन से बताई थी मैंने, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डिस्ट्रिक कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हो गया, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा। एज द फिल्टर्स मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट्स द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ द वाटर एंड सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब द ब्लड थ्रू द सराउंडिंग ट्यूबल्स। अब जो भी ट्यूबल्स होती हैं, अब मैंने कौन कौन से ट्यूबल्स बताएं, देखो फर्स्ट हमारा हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, दूसरी होती है हमारी लूप ऑफ हेनले, तीसरा हमारा डीसीटी डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और चौथा होता है हमारा सीटी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये हमारे किडनी के ही पार्ट हैं, सारे नेफ्रॉन के ही पार्ट हैं, किडनी के अंदर ही होते हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो भी उसके अंदर जो एक्सक्रीट होता है, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गए, जो भी एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है उनको क्या कर लें, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन सराउंडिंग द दिस ट्यूबल। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है, एंड दिस डिपेंड अपॉन द एक्सेस ऑफ द वाटर देयर इन द बॉडी, हमारे वाटर में बॉडी की मात्रा पर डिपेंड करता है, क्योंकि बॉडी में वाटर ठीक है तो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अदरवाइज एसिड से। देखो ना आप, जब वाटर की कमी हो जाती है तो जो हमारा यूरिन होता है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है, क्यों, कि उसके अंदर एसिड प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो चीज़ें हमारी जो भी यूजफुल चीज़ है वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाए, अदरवाइज वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, ग्लूकोज भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू द एसिड आउट, जो भी हमारे नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जितना नीड है उधर ले लिए जाते हैं, बाकी बाहर निकाल दें। सो द फ्लूड नाउ द फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट एंड यूरिन गेट द कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और लास्ट में बताया था कलेक्टिंग डक्ट होती है।
वहाँ जाके क्या हो जाता है, अब कलेक्टिंग डक्ट सारी कहाँ जाके मिलती है, हमारे यूरेटर में, किडनी के अंदर। यूरेटर कहाँ जाके मिलता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, लास्ट में जाके। दीज कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर लीव द किडनी एंड कॉमन पॉइंट इज फॉर्मिंग द यूरेटर। क्या बनाती है, यूरेटर बनाती है। एंड ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंड ब्लैडर लीड्स टू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। एंड दिस ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर द अंडर द नेफ्रोन कंट्रोल। 180 लीटर ऑफ द फिल्ट्रेज इज फॉर्म डेली बट ओनली 2 लीटर द एक्सक्रीट आउट द यूरिन सो दे आर रेस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब बाई द बॉडी। अगर पूरी बॉडी की बात करें तो लगभग हमारा 180 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर होता है इसमें, और उसमें से लगभग 2 लीटर जो फिल्ट्रेट है बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल आता है। फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट को, एक्सक्रीट को बाहर निकालना, वाटर और आयंस को बॉडी के अंदर बैलेंस करना। अगर प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन की बात की जाएगी तो प्लांट में डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर किडनी विडनी तो है नहीं। सो दैट मीन्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द स्टोमेटा, ये तो सीधे स्टोमेटा के थ्रू निकाल जाते हैं, और जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है, प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट कैन ऑल्सो यूज द लूज द सम देयर ओल्ड पार्ट्स, ओल्ड लीफ एंड बार्क ऑफ द ट्री एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द रेजिन, गम्स, स्पेशली द ओल्ड जाइलम सेल्स एंड कैन ऑल्सो बी। अब कुछ गम और भी चीज़ें होती है प्लांट के, जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, तो जो हमारे जाइलम होते हैं उस जाइलम के थ्रू प्लांट के थ्रू प्लांट से बाहर निकाल देते हैं। ओल्ड जाइलम होते हैं जो वाटर का काम नहीं करते, मतलब कहते हैं घर में बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो घर में छोटे बच्चे उन्हीं के पास खेलते रहते हैं, तो सेम यही काम करते हैं। जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में उनका काम होता है कि जो भी गम है, रेजिन है, इस टाइप के जो थोड़े जेली टाइप के पदार्थ होते हैं उन्हें कौन एक्सक्रीट करता है, हमारा जाइलम करता है। प्लांट ऑल्सो सम वेस्ट सब्सटेंस लाइक सॉइल अराउंड देम, कुछ वेस्ट में सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, ये वाला डायग्राम है जो मैं बता रहा था अभी, देखिए ये वोमन कैप्सूल है, यहाँ से हमारे एफरेंट आर्टरी है, एक रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी लेके आती है, एफरेंट आर्टरी बाहर लेके जाती है ब्लड को, इफरेंट। अब ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो RBC है उसको बोलते हैं वोमन कैप्सूल, सॉरी ये पूरा वोमन कैप्सूल है और उसके अंदर जो RBC है उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, उसके बाद इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और उसके बाद लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब दोनों टाइप का होता है। ये डिसेंडिंग वाला नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ट्यूब्स, ये नीचे जा रही है ना ऐसे, और यहाँ से फिर ऊपर की जा रही है, जो ऊपर जा रही है उसे असेंडिंग बोलते हैं, जो नीचे जा रही है उसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है, लास्ट में आके ये कलेक्टिंग डक्ट है पूरा, तो इसमें ऐसे करके ब्लड हमारा पूरा फिल्ट्रेट होता है। एक बार PDF दे दूंगा और देख लेना आप। चलो ख़त्म करते हैं आज आपका चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं, मैंने बताया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया, ऑल दिस फिल्टर द ब्लड फ्रॉम द वोमन कैप्सूल। ये सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाता है, हमारा वोमन कैप्सूल में हो जाता है। किसका, वाटर, ग्लूकोज, अम्यूनो एसिड, ब्लड में से जो भी चीज़ें होती हैं एब्जॉर्ब कर, फिल्टर कर ली जाती हैं। अब उसके बाद जब ट्यूब में पहुँचता है तो अब इसमें देखो ग्लूकोज भी है, अम्यूनो एसिड्स भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अब वो सारी चीज़ें आयंस होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, ये सारे आयंस भी होते हैं, तो ये सारी तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। अब इन्हें क्या कहता है, जैसे ही वो फिल्ट्रेट ट्यूब के अंदर पहुंचता है तो ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन होता है, किनका, कि जो भी फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल चीज़ें होती हैं वहाँ कैपिलरी पाई जाती हैं, वो कैपिलरी क्या करती हैं उनको यूज कर, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और केवल नाइट्रोजन वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देती हैं, और सीक्रेशन बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू सीक्रेट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी, होमियोडायलिसिस, पता है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो बाहर डायलिसिस कराना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी, किडनी फेलियर पेशेंट में, और डायलिसिस होता है, पूरा एपरेटस होता है। NCERT में आपको ये डायग्राम दे रखा है, अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट में कर देना, मैं प्रॉपर उसको समझा दूँगा कैसे होता है। तो ये था आपका ओवरऑल आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और वहाँ पे PDF आप इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से PDF को, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल का एक ऐप आता है और उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद फिर वहाँ पे सर्च करेंगे देव गौतम, और देव गौतम वहाँ पर सर्च करेंगे, और देव गौतम सर्च करने के बाद जब आप उस चैनल में अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा।
कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, यहाँ का PDF भी सब वहाँ पर मिलते हैं, सारी चीज़ें वहीं पर मिलते हैं आपको। तो जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। चैनल आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप इसकी प्लेलिस्ट वाले पर क्लिक करें और जो भी पहले इसके सारे लेक्चर्स हैं जो चैप्टर खत्म हो चुका है एक बार सारे लेक्चर रिवाइज करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे इस चैप्टर के, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चन भी हैं इसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास PDF जाएगा तो उसके बाद आप उसको आंसर भी दे रखें, आप उसको ईजिली पढ़ सकें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक इसकी मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचे रहें।